हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। ये आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी डीप फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में क्या है जो आपसे कहना चाहते हैं। चलिए रिलैक्स हो जाइए, इंटेंशन सही रखें और अपने पर्सन के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, सारी साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए, ठीक है। चलिए रिलैक्स हो जाइए और इंटेंशन सही रखें, बिल्कुल पॉजिटिव रहें। देखिए डियर, यहाँ पे आपके पर्सन की जो डीप फीलिंग्स है वो बहुत ही ट्रू है और बहुत ही इमोशनल हैं, और वो आपको कहना चाहते हैं आप बहुत इनोसेंट हो। यहाँ पे जो साइन हैं वो हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन कर्क और वृश्चिक, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। यहाँ पे स्ट्रांग है मकर, वृषभ और कन्या, ठीक है। और यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, यानी तुला, कुंभ और मिथुन। तो यहाँ पे किसी फीमेल आप दोनों रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कोई फीमेल की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो यहाँ पे कोई फीमेल इन्वॉल्व है आप दोनों रिलेशनशिप में, ये कौन है आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो डीप फीलिंग्स है, उनकी करेंट सिचुएशन है, पहले तो ये न्यू विंग के बारे में ही सोच रहे हैं और कुछ वर्ष आपके तरफ कॉल मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ऐसा फील होने लगा है कि शायद आप उन्हें याद कर रहे हैं या आप के वो करीब आना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं आप इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब जरूर आ रहे हैं, बट वो आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपके सपने आ रहे हैं, आपके नाम दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने काफ़ी समय से आपको इग्नोर किया, हो सकता है काफ़ी समय से इन्होंने खुद को रोक कर रखा, लेकिन यहाँ उन्हें एहसास हो रहा है। देखिए, लेकिन आप बहुत इनोसेंट हो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं हो या आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए डियर, यहाँ पे ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपके पर्सन ऐसा भी कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो सोच रहे हैं और ये कहना चाहते हैं ये रिश्ता भी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए ये आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से जैसे होता है ना, ये घबराहट, बेचैनी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, जहाँ ये खुद पर काबू भी नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपने इस रिश्ते में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, आपने बहुत रोए हैं, बहुत वेट किया है, आप कभी कभी हार भी मान जाते हो, कभी कभी आप मूव ऑन करने की सोचते हो, या हो सकता है कि आपके मुंह पर ईगो के वजह से इन्होंने कहीं कुछ ऐसा बोल दिया और आपको वो चीज़ लग गई, आपको चोट लग गई, तो ये इनको अच्छा नहीं लगता। आपको चोट लगती है तो इन्हें बाद में एहसास होता है कि इन्हें खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन ये पर्सन आपको बिल्कुल अलग रूप में देखते हैं और ये इस वक्त आपके लिए बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं। आपकी जानकारी ले रहे, अगर ये बातचीत नहीं कर रहे, अगर इन्होंने आपको हर्ट किया है, अगर इन्होंने इग्नोर किया है, अंदर से इनके लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी है, ये आपके बारे में जानना भी चाहते हैं और आपकी जानकारी भी ले रहे हैं। क्या बात है, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स दिखाई दे रही है यहाँ पे, प्यार, इमोशन, चाहत, ये भी यहाँ इन्हें फील हो रही है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाहते हैं और कुछ वर्ष आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशंस के साथ साथ न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग मीन्स
इस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बना कर रखना, कभी इसे तोड़ना नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई फीमेल यहाँ पे स्ट्रांग बैठी है जो आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर है, ये थर्ड पार्टी का प्रेशर है, किसी फीमेल का प्रेशर है, तो ये पर्सन इस वक्त आपको समझा सकते हैं, मना सकते हैं कि इनके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थिति है जो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो चाहते हैं आपको समझाना। देखिए, आपके बारे में काबिज सोचें उनको फर्क पड़ रहा है आपके ना होने से, आपके बात ना करने से, ठीक है। आपके प्यार में बहुत है इस वक्त, हाँ थोड़ा सा तो देखिए इंसान है, गिल्ट में रिग्रेट में तो है, ये चीज तो दिखाई दे रही है, लेकिन इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है डियर, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी बात, ये पर्सन किसी पे ये विश्वास नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या हो सकता है पास्ट में इनके साथ अच्छे किसी के साथ रिलेशनशिप ना रहे हों, ठीक है, या इनके रिश्ते में बार बार कुछ परेशानियां आ रही हों, या किसी का प्रेशर है इनके ऊपर। तो डियर यहाँ पे इनको एक चीज़ है कि ये बार बार किसी पे ये विश्वास नहीं करते, लेकिन हाँ ये कहूँगी कि ये जिद्दी स्वभाव के इंसान हैं और थोड़ा ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग की एक ग्रोथ हो रही है, ठीक है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, कुछ व्यूअर्स आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये सोच सोच कर इमोशनल भी हो रहे हैं व्यूअर्स, कुछ व्यूअर्स सेपरेशन में हो, आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें बोल दी है जहां आपको कहीं ना कहीं वो बातें आपको दर्द दे रही है ना। लेकिन इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें कभी ठीक नहीं रहती, याद रखिए इस पर्सन के लाइफ में चीज़ें कभी ठीक नहीं होती, बस ये शो करते हैं सब कुछ बेहतर है अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। लेकिन ये अपना जो नेचर को चेंज करते हैं, अपनी एनर्जी को जो चेंज करते हैं, वो है ट्रैवलिंग से, शॉपिंग से, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, ट्रैवल पर जाते हैं, ये इनका मन बहलाना जाते हैं वो आपके पर्सन ऐसा करते हैं, दोस्त के पास जाते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी फीमेल के साथ उनकी दोस्ती है तो कभी कभी वो टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है वो कंट्रोल करती है और उनसे धोखा मिल रहा है व्यूअर्स, ठीक है। अगर कोई फीमेल आपके पार्टनर की लाइफ में तो कभी बहुत स्ट्रेस लेते हैं तो उनके पास भी जाते हैं, अपनी दिल की बात कहते हैं, उनसे बात करते हैं, खुद को हील करने की कोशिश करते हैं, या फिर ये ट्रैवल करते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, या फिर कहीं शॉपिंग करना, मूवी जाना, ये सब इनके शौक है, बट ये चेंज करते हैं खुद को, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ किसी के पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ कुछ अनबन या ब्रेकअप से भी गुजर रहे हैं, ये सच्चाई सामने अभी आपकी नहीं आ रही है, बट उनका जो मन है कि वो आपसे बात करें और ये आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, प्यार इमोशंस को शेयर करना चाहते, लेकिन आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। देखिए देखा जाए ये पर्सन अंदर से ये खाली है, टूटा हुआ हारा हुआ इंसान है, बट ये सो नहीं कर पा रहा ईगो के वजह से, ठीक है, ये सो नहीं कर पा रहा ईगो की वजह से, बट ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन आपके साथ पैशनेट एनर्जी के साथ आपके तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ना चाहते हैं, रोमांस वाली एनर्जी है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है, और ये देखिए इनका मकसद जो है ना आपके साथ कि इनको आप सपोर्ट करो, आप इन्हें किसी चीज के लिए पुश मत करो, कंट्रोल मत करो, इनको समझो और इन्हें समझाओ, ठीक है, ये चाहते हैं, और इन्हें आपकी जरूरत है, नो डाउट इन्हें आपकी जरूरत है, इसीलिए आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। और इस वक्त ये पर्सन का नेचर जो स्वभाव है वो आपको लेकर पॉजिटिव दिख रहा है, वो क्यों, क्योंकि ये पर्सन जो भी हैं आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दर्शन की एनर्जी भी आ रही है, तो यहाँ देखा जाए तो ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप उन्हें बहुत पसंद हो, आप उन्हें बेहद पसंद हो,
मतलब जिसे कहते हैं दिल से प्यार करना, दिल दिमाग से आपको चाहना, वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ट्रैवल करना, मस्ती फन करना और आपका साथ पाना, आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी है। देखिए आप और भी बहुत सारी खुशियाँ इन्हें देते हो, ठीक है, इनके अंदर के पेन को कम करते हो, इन्हें हीलिंग देते हो, इन्हें सपोर्ट करते हो। तो देखा जाए डियर, तो अगर इस पर्सन का ट्रू इंटेंशन है तो आपके साथ इनकी फ्यूचर ब्राइट है, ऐसा वो सोचते हैं बट एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कुछ वर्ष आप या आपके पार्टनर को जानवर या नेचर से बहुत प्यार है, जानवरों से या नेचर से कुछ व्यूअर्स आपके आपके पार्टनर को, दोनों में किसी एक को जरूर बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। और इनको ड्रेस, जो ड्रेसिंग सेंस जो आपका, वो बहुत पसंद है, खुद की भी अपनी भी पर्सनालिटी में ये सब चेंजेस लाते रहते हैं। तो इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी है कि इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मन ही मन में बहुत प्यार करते हो, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, नो डाउट आपके लिए बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स है, आपके मन में भी है, लेकिन कभी गुस्से की वजह से आप इन्हें भी कुछ होता है ना, ब्लेम कर देना, फाइट कर देना, थर्ड पार्टी को लेकर फाइटिंग करना, तो ये चाहते हैं कि उन्हें सपोर्ट की जरूरत है लेकिन उन्हें कंट्रोल ना करें, ठीक है। एक दूसरे का बेहद पसंद करते हो, दोनों ही एक दूसरे को फील करते हो, लेकिन कभी कभी आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, कभी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन न्यू बिगिनिंग के चांसेस स्ट्रांग हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, रीयूनियन के चांसेस यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है, द सन की एनर्जी है, तो एक पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं रीयूनियन के और आपकी तरफ बढ़ने के, आपके पर्सन के। थोड़ा रिग्रेट है, थोड़ा गुस्से में है थर्ड पार्टी की वजह से, कुछ आप भी उनको समझो, ये कहना चाहते हैं आप उनके फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो, उनको समझो, वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, ठीक है। तो न्यू बिगिनिंग के चांसेस हैं, सेलिब्रेशन हो रहा है, रियूनियन हो रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो तेजी से आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपकी तरफ कॉल मैसेज आ गया है, मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर के मन में बहुत तड़प है आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, प्यार करने का, हग करने का, गले लगाकर कुछ सॉरी भी फील करने का, तो कुछ आपके पर्सन की ऐसी भी एनर्जी है, ऑफर करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के साथ कुछ बातें भी कर रहे हैं जो आपको लेकर जानकारी ले रहे हैं और लोग इन्हें समझा भी रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। प्रॉब्लम्स यहाँ तीसरे की है बाबू, ठीक है ना, प्रॉब्लम्स यहाँ तीसरे की है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, नहीं चाहते हैं वो किसी हाल में भी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो, आप दोनों का साथ हो या फिर आप दोनों का मैरिज हो, चाहे आप दोनों की रियूनियन हो, ठीक है। सोशल मीडिया पे आपको कुछ के पार्टनर सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वहाँ आपको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग के लिए। द हाई पिस्ट सेलिब्रेशन, कुछ व्यूअर्स आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको पहले से ये पता चल रहा है, और पहली तो बात कि आपकी नॉलेज गेन कर रहे हो, आप फीलिंग्स को दबा रहे हो, छुपा रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है। सेलिब्रेशन आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, खुशियाँ आ रही है, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, मन के डर को ख़त्म कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं, दुखी है उदास है बट वो आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, पैशनेट, मैंने बोला पैशनेट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, हीलिंग चल रही है, ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स एंजल्स गॉड की आप दोनों के रिश्ते पे। थर्ड पार्टी इशू है जहां आपके पार्टनर सोशल मीडिया पे आपको, कुछ व्यूअर्स आपकी वेटिंग एनर्जी खत्म हो रही है, टू ओ वन, दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो, दोनों इंतजार कर रहे हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पे हैं, कुछ लोग आप साथ में भी काम करते हो वर्क प्लेस पे, हो सकता है आप दोनों का मिलन हुआ हो या फिर सोशल मीडिया पे आप दोनों मिले हो, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आप वर्क प्लेस पे मिले हो, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले हो, ये भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, फैमिली में खुशियाँ आ रही है, आपके पार्टनर आपके साथ फैमिली देख रहे हैं, और यहाँ पे आपके पार्टनर का जो डर है वो ख़त्म कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी है और गॉड की ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। कहा ना, यहाँ कोई तीसरे का हाथ है आप दोनों के रिश्ते पर, तो यहाँ पे तीसरा इंसान जो भी है वो आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो नहीं चाहता है कि आप दोनों का मिलन हो,
तो कुछ व्यूअर्स आपकी इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म होने वाली है और आपके पार्टनर स्टेबिलिटी ऑफर करने वाले हैं, ये सोच भी रहे कि आपको कैसे लाइफ की सारी खुशियां दूँ। ठीक है, तो बहुत व्यूअर्स आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग चल रही है, इंजस्ट ब्लेसिंग्स है, इमोशंस है, सॉरी फील कर रहे हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे और सेलिब्रेशन चाह रहे हैं। तो हैप्पी 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 फैमिली की एनर्जी भी आ रही है क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार करते हैं। खुशियां आ रही है, खुशियां दस्तक दे रही है, लेकिन अभी भी डियर तीसरे का हाथ है। बट मैं इतना कहना चाहूँगी, खुश रहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।